वेलकम टू इलेक्ट्रिक शॉक के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएम के बारे में। आरपीएम क्या होता है मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। आरपीएम होता है राउंड पर मिनट, यानी कि कोई भी मोटर या फिर रोटेट करने वाली चीज कितना रोटेट करती है पर मिनट। सो आज हम अपने घर में यूज होने वाली बेसिक चीजों का आरपीएम जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यार सेल फोन तो सब यूज करते हैं, यानी कि हर एक इंसान इस समय जिस फोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ वो एक मोबाइल फोन है। सो यार मोबाइल फोन तो सब लोग यूज करते हैं। सो मोबाइल में जो हमारा मोटर लगा होता है वाइब्रेशन पर्पस के लिए, यानी कि वाइब्रेट करने के लिए, हमें अलर्ट करने के लिए वाइब्रेशन, या फिर कॉल्स या फिर मैसेजेस के लिए वाइब्रेशन होता है, उस मोटर का आरपीएम कितना होता है। सो मोबाइल का मोटर का आरपीएम होता है वो होता है 9000 से 10000 तक, यानी कि 9000 से लेकर 10000 आरपीएम। सेकंड नंबर पे हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है सीलिंग फैन, यानी कि जो हमारे छत पे पंखा लगा हो, 3 ब्लेड्स का, 4 ब्लेड्स का, 5 ब्लेड का, उसमें भी डिफरेंट टाइप की इंडक्शन मोटर लगी होती है, लेकिन उसका जो आरपीएम होता है वो होता है 400 से लेकर 500 तक वेरी करता है, डिफरेंट क्वालिटीज पे और डिफरेंट टाइप की कंपनीज पे डिपेंड करता है कि किस फैन का आरपीएम कितना है। थर्ड जो चीज हमारे पास आती है उसको बोलते हैं जूसर, मिक्सर या मिक्सी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सबकी बेसिक जरूरत है, सबके घर में यूज होता है, लेकिन क्या आपको पता है उसका जो आरपीएम होता है वो कितना होता है, यानी कि राउंड पर मिनट कितना होता है। सो जूसर या फिर मिक्सर का जो आरपीएम होता है वो 2000 से लेकर 3000 तक के बीच में वेरी करता है। उसको डिफरेंट टाइप की कंपनीज पे डिपेंड करता है और डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका आर्मेचर वगैरह सेट है। इस पर्पज से ये डिजाइन होता है कि आपका जो आरपीएम है वो 2000 से 3000 के बीच में रहता है। अब यार फोर्थ नंबर पे कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर तो सब लोग यूज करते हैं, बेसिक जरूरत है सबकी। उसमें जो सीपीयू के प्रोसेसर को कूल करने के लिए एक फैन लगा होता है, इसको बोलते सीपीआई फैन। सो उस फैन का जो आरपीएम होता है वो कितना होता है। तो उस फैन का जो आरपीएम होता है वो नॉर्मल फैंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। उसका जो आरपीएम होता है वो 1800 से 2000 होता है। अब आप पूछेंगे कि इसका आरपीएम सबसे ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज उसका साइज कम होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का जितना कम साइज होता है उसका आरपीएम उतना ज़्यादा हो जाता है। तो फाइव नंबर पे हम जिसकी बात करने वाले हैं वो हमारी सबकी बेसिक जरूरत है, सो कूलर की बात करने वाले हैं। अब कूलर की जो आरपीएम स्पीड होती है वो कितनी होती है। सो कूलर की जो आरपीएम स्पीड होती है वो मैं एक अच्छी क्वालिटी क्रॉम्पटन मोटर की बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो आरपीएम स्पीड होती है वो 1350 से लेकर के 1500 और 1800 तक के बीच वेरी करती है। सो इसमें अब एक छोटी सी चीज़ और आती है कि भाई कूलर तो यूज़ कर लिया, कूलर का जो फैन है उसकी स्पीड बता दी, लेकिन जो कूलर के अंदर वाटर के लिए पंप लगा होता है उसका आरपीएम कितना होता है। सो उसका जो आरपीएम होता है वो 200, यानी कि 200 आरपीएम होता है। अब सिक्स नंबर पे हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा वाटर पंप, यानी कि हमारा जो ग्राउंड से वाटर को ऊपर करती है मोटर, उसका आरपीएम कितना होता है। ये भी हमारे सबके घर में यूज होती है, तो इसका आरपीएम कितना होता है। जो वाटर पंप का आरपीएम होता है वो 3500 से लेकर के 4000 तक, यानी कि 3500 से लेकर के 4000 आरपीएम तक ये वेरी करता है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।